गया के डोभी ब्लॉक के कोठवारा वड़िया गांव के पास निरंजना नदी पर बन रहा मामूली पुल बाढ़ में ही भरभराकर ढह गया। यह वही पुल है जो पिछले 6 साल से बन रहा था। निर्माण के नाम पर अब तक नदी में 16 पिलर खड़े किए जा सके हैं। जिस वक्त यह पुल ढह रहा था उस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो पूरे इलाके में शेयर किया जा रहा है। पुल का शिलान्यास 2015 में क्षेत्र के पूर्व विधायक विनोद यादव ने किया था। पुल की लागत 13 करोड़ रुपए है। इसे नवाड़ योजना के तहत बनवाया जा रहा था। इसे बनाने की जिम्मेदारी तिरुपति बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई थी। पुल बनाने में घटिया सामान के इस्तेमाल के आरोप हैं। इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। इस वजह से कई बार काम रोकना भी पड़ा था। गांव के लोगों का कहना है कि नदी में हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ मामूली ही होती है, इससे इलाके को नुकसान भी नहीं होता। इसके बाद भी पुल का स्ट्रक्चर का गिरना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है।